और हमारा ये बच्चा यहाँ उठ के ऐसी जुनूनी हरकत करता है, जितना इसकी निंदा की जाए कम है। इंसाफ की उम्मीद भी है कि पुलिस की भी अच्छी कार्रवाई हुई, उन्होंने गिरफ्तार किया। मुबारकबादी देते हैं पुलिस को भी, डॉक्टरान को भी मैं मुबारकबादी दे रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस बच्ची का बच्चों से यहाँ ख्याल रखा है। हम इसलिए आए थे कि अगर इस बच्ची को बाहर ले जाके इसकी इलाज एडवांस इलाज की जरूरत है, तो हमने इनकी फैमिली से मुलाकात की और उनको ऑफर किया कि जो भी जहां भी डॉक्टर कहेंगे इसका इलाज हो सकता है, इसको ले जाइए और इसका खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, जो भी खर्चा होगा हम बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह करे कि हमारी किसी और बच्ची को ये ना देखना पड़े। और मैं अपने इस शहर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं, हर माँ बाप की ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, लड़कों को सिखाएं लड़कियों के साथ कैसे पेश आना है और लड़कियों को सिखाएं लड़कों के साथ कैसे पेश आना है। ये वो जगह थी जहां ऐसा कभी सुनते नहीं थे। बहरहाल अफसोसनाक हुआ था, तो हम एक छोटा सा अपनी तरफ से ये इस खानदान के साथ खड़े हैं और जो भी इनको इस बच्ची के इलाज के लिए लगेगा हमने वो पेशकश की है। और अल्लाह के फजल से हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बच्ची को अपनी आंखों की बीनाई वापस आ जाए। अल्ताफ साहब, क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ कानूनी एक कार्रवाई है, उसका एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू ही होगा। यहाँ ये तो है नहीं कि आप उठा के किसी के बाजू या हाथ काट सकते हैं या टांगे काट सकते हैं। एक डेमोक्रेसी की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ हम कभी कह सकते हैं बुरी बातें। बहरहाल कानून कानून है। इंशाल्लाह जिस तरह से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 घंटे में उनको कल्प्रिट्स को गिरफ्तार किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और हमें अभी मालूम हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, डीसी साहब, एसपी साहब, पीआई, बाकी अरकान भी है, मुझे मालूम है वो लोग भी चाहते होंगे कि हम इस बच्ची के लिए जो करना कर सके वो करें। लेकिन चूंकि सरकार में प्रोसीजर होता है, तो हमने आके यहाँ अपनी तरफ से पेशगी की है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फैमिली उसका पूरा इस बच्ची को इलाज करेगी, जहाँ भी डॉक्टर उसे ले जाएंगे। अल्ताफ साहब, आपकी पार्टी की तरफ से इनको ऑफर मिला जितना भी हो सकता है, इवन मेयर साहब ने भी कल ऐलान किया कि वो अपनी एक सैलरी का महीना दे रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पीछे है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पीछे नहीं है। क्या ये देखिए, हम अलग अलग इसको अलग अलग खातों में नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं इंसानियत की निगाह से। मैं इसलिए इस निगाह से नहीं इसको देखता हूँ कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ने क्यों नहीं किया।